ये कहने आई हूं, मैं आपको ये कहने आई हूं कि हमें देशद्रोही कहें, हमें घर से निकाल दें, मेरे भाई को संसद से निकाल दिया, हम पे केस डालें, मेरे भाई पे इतने केस डाल दिए कि कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरात में कभी बिहार में हो जाता है कचहरी जाएगा, कुछ भी कर ले, मार डाले, लेकिन ये भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे, जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। जो पुलवामा के शहीद हैं, जब वो हुआ पुलवामा का हुआ, उनमें से कुछ परिवार यूपी के थे, उस समय मैं यूपी में थी, मैं गई उनके घर, और ज्यादातर परिवारों में पता है क्या बताया उन्होंने मुझे, जो बच्चे बचे थे उन्होंने कहा, दीदी हमको भी सेना में भर्ती होना है। एक लड़की थी, उसका भाई एयरफोर्स में था, उसने कहा, दीदी मैं पायलट बनूंगी, मैं एयरफोर्स में भर्ती होंगी। यही है शहादत की भावना, ये भावना मोदी जी नहीं समझ सकते। जो मोदी जी इंदिरा गांधी जैसी एक शहीद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मोदी जी इस भावना को देख के सिर्फ परिवारवाद देखते हैं लेकिन देशभक्ति नहीं देखते, देश की सेवा नहीं देखते, वो इस भावना को नहीं समझ सकते। मैं आपको ये कहने आई हूं कि हमें देशद्रोही कहें, हमें घर से निकाल दें, मेरे भाई को संसद से निकाल दिया, हम पे केस डालें, मेरे भाई पे इतने केस डाल दिए कि कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरात में कभी बिहार में हो जाता है कचहरी जाएगा, कुछ भी कर ले, मार डालें, लेकिन ये भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता।